वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस जो कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे मैं आपको अपना फार्म हाउस दिखाऊंगा और आपको मैं अपने बगीचे का विज़िट कराऊंगा। सो गाइस, ऐसे कुछ दिखता है हमारे घर से, जो रोड वाला घर है उससे व्यू ऐसे दिखता है। तो ये आप यहाँ देख पा रहे हो, ये चांचल है और ये मेरे पापा। तो हम निकल गए हैं यहाँ से। ये मेरी मम्मी है, देखो कितना सारा सामान लेके चले हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये रोडू है। हाँ, ये रोडू का बस स्टैंड और ये हॉस्पिटल। और ये सामने आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर जो व्यू है चांचल घाटी का। देखो ट्रैक्टर की ऑफ रोडिंग। तारों का काम हो रहा है, आप देख सकते हैं इनको, खतरों के खिलाड़ी। मैंने पिछली वीडियो में आपको नहीं बताया था, चटगांव बाज़ार मैंने दिखाया नहीं था। तो ये हम एंटर हुए अभी चटगांव बाज़ार में, छोटा सा बाज़ार है। आज संडे है तो इस करके शॉप्स मैक्सिमम बंद है। अभी आप लेफ्ट साइड में देखेंगे चटगांव का जो है बस स्टैंड है। पुल से अगर आप राइट लेते हो तो आप चांचल की तरफ का रास्ता है ये, बट हमने जाना है लेफ्ट। ये पावर हाउस है, यहाँ ऊपर से जो है आप पाइप देख पा रहे हो, यहाँ से फॉल डाला जाता है पानी का। तो अभी ये वाली साइड से जो है पानी बाहर आता है अंदर। तो आप देख पा रहे हो राइट साइड। ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा फार्म हाउस है बीच में। अभी हमने यहाँ जाना है। अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके हमें यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। लगभग 10-15 मिनट का रास्ता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल वैली है हमारी। हमारा ये वाला बगीचा जो है रोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हम आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ रहा है। तो सारा सामान भी पैदल ही ले जाना पड़ता है। ये देखो मेरे पास कितना सारा सामान है।
यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे रेस्ट करते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टीप है और सामान भी साथ। जैसा आपने पिछले व्लॉग में देखा था जब मैं अपने मामा के घर गया था, तो वहाँ पे भी इसी टाइप की जो है खेत हुआ करते थे, अभी भी है। बट उसमें क्या है, वहाँ पे उन्होंने सभी जगह सेब के पौधे लगा दिए, बट यहाँ पे अभी कुछ कुछ जगह भी लोगों ने पौधे नहीं लगाए। अभी भी यहाँ पे जो है रुपाई होती है। अभी हो गया है काफ़ी रेस्ट, अभी चलते हैं। पापा के पास कंबल भी नहीं उठाया जा रही है, जो वो कट्टा सा है उसके अंदर कंबल है। और एक और बैठने का स्थान हमारा, पापा के जो है बुरे हालत है इस कंबल को उठा के। और ये देखो, ये बेल है जो कि चट्टान में जो लगती है। चंचल जाते हुए एक घर आता है, उसमें भी ये सेम टाइप की ये बेलें हैं, पूरा घर ढका हुआ है इस बेलों से। अभी हम इतना दूर आए हैं, अब देख सकते हैं हमारी गाड़ी कहाँ है। अब हम बस पहुँचने वाले हैं, बस अब थोड़ा ही दूर है, ये हमारा फार्म हाउस दिख रहा है। मम्मी सबसे तेज है चलने में, पापा देखो वही हल्का फुल्का सामान नहीं उठाया जा रहा है। सो हम पहुंच गए हैं अपने फार्म, और ये ऊपर आप देख रहे हैं ये फार्म हाउस है, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने फार्म हाउस। तो यहाँ से ये कुछ ऐसा व्यू दिखता है। तो चलते हैं अंदर, ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं हम इसको, पेठे। इनको बॉईल करके, कद्दू इनको बॉईल करके खाते हैं। आ जाओ। तो ये हमारा फार्म हाउस है, ये मेनली जो है लेबर, जो हमारे सीजन में लेबर आती है तो वो लोग यहाँ पे सोते हैं, तो ये उस लिए बनाया है। इसमें छोटे छोटे रूम हैं, एक ये रूम है, माने एक बेड लग जाता है, मतलब डबल बेड यहाँ पे लग जाएगा। एक इसके ऊपरी साइड भी है रूम, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एक ये है, यहाँ पे हमने बिस्तर, अपने बिस्तर वगैरह रखे हैं जो सीज़न में लेबर्स के लिए काम आते हैं। ये जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो, इस रूम के ऊपर भी एक रूम है, छोटा सा रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। छोटा सा है रूम, यहाँ से ही थोड़ा सा टफ होता है चढ़ने के लिए, यहाँ स्टूल चाहिए होता है। और ये इस तरह से बंद करके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक बेड लग सकता है, मतलब एक गद्दा टाइप। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ से व्यू। आप सोच रहे होंगे तो ये चीज क्या है, तो ये कचालू होता है, जो उसके जो पत्तों की और वो जो डंडी से होती है जिसके हम पतीड़ बनाते हैं, तो उसकी उसको काट के ये सुखाया गया है। तो ये सर्दियों में ये भी सब्जी बनाने के काम में आता है। तो इसके नीचे भी दो रूम्स हैं,
एक रूम ये है जहाँ पे हमारे नेपाली अंकल रहते हैं, वो आजकल छुट्टी मतलब घर गए हैं। और एक ये रूम है, यहाँ पे मम्मी पापा सोते हैं और यहीं पे हमारा खाना बनता है। यहाँ पे इसमें बर्तन वगैरह रखे हैं मम्मी ने। तो ये है हमारा वॉशरूम। ये वॉशरूम है हमारा। तो हम अपने फार्म हाउस बहुत कम आते हैं, लाइक जब जब यहाँ पे काम होता है जैसे प्रूनिंग, खाद वगैरह डालना, घास काटना, तो तभी तभी हम आते हैं यहाँ पे। मैं आपको बगीचा अपना दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख पा रहे हो ये जो हरा सा पेड़ है, वहाँ तक है ये बगीचा। यहाँ पे ये दूसरे दादू का घर है, छोटे वाले दादू का। ये मैंने लास्ट ईयर ग्राफ्ट किया था, अपनी ग्राफ्टिंग देख के बड़ी खुशी हो रही है। ग्रेनी स्मिथ का ये जो ग्राफ्ट किया था मैंने। बीच बीच में हमने यहाँ पे गड्ढे करवा रखे हैं ये न्यू प्लांटेशन के लिए, जो कि कुछ ही दिन में करनी होगी। अब सीजन में इस टाइप का भी नुकसान होता है, आप देख सकते हैं ये टूट चुका है, इसको अब यहाँ से रिमूव करना होगा। तो यहाँ ऊपर तक हमारा बगीचा है। यहाँ तक आप देख सकते हो। और एक बगीचा हमारा यहाँ पे, ये जो घर दिख रहा है ये हमारा बगीचा है। तो आज का ये व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करें। और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।